गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ इंग्लिश लिटरेचर में पुलित्जर प्राइज़ इन ड्रामा। ड्रामा में वो कौन कौन से राइटर हैं जिनको कि पुलित्जर प्राइज़ से अवार्ड किया गया, और आज हम इसी के बारे में देखेंगे और इसी की लिस्ट में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। 1917 में नो अवार्ड, मतलब कोई अवार्ड नहीं मिला। 1918 में वाई मैरी, जेस लिंच विलियम्स को मिला था वाई मैरी के लिए। और इनके जो राइटर हैं हमारे ड्रामे के वो हैं जेस लिंच विलियम्स। 1919 नो अवार्ड। 1920 बियॉन्ड द हॉरिजन यूजिन ओनील को मिला था बियॉन्ड द हॉरिजन के लिए पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट इज़ द 1921 मिस लुलू बैट, जोना गेल को दिया गया उनके इस ड्रामा मिस लुलू बैट के लिए। नेक्स्ट इज़ द 1922 एना क्रिस्टी ड्रामा है, यूजिन ओनील इसके राइटर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द 1923 में आइस बाउंड को अवार्ड दिया गया, और जो आइस बाउंड इनका ड्रामा था और जो हमारे राइटर हैं ड्रामाटिस्ट हैं मीन्स ओवन डेविस इसके ड्रामाटिस्ट थे आइस बाउंड के। नेक्स्ट 1924 में हेल बेंट फेयर हेवन, ये एक ड्रामा है और यह है किसका, हैचर हक्स को ड्रामे के लिए पुलित्जर प्राइज़ से को दिया गया। 1925 में दे न्यू व्हाट दे वांटेड सिडनी हावर्ड को उनका ड्रामा दे न्यू व्हाट दे वांटेड के लिए दिया गया। एंड नेक्स्ट इज़ द 1926 क्रैक्स वाइफ एक ड्रामा है जॉर्ज कैली का, एंड इट वाज द फेमस ड्रामा जॉर्ज कैली क्रैक्स वाइफ। नेक्स्ट है 1927 इन अब्राहम बॉसम को, ये भी एक ड्रामा है और इसके ड्रामाटिस्ट हैं पॉल ग्रीन को इस ड्रामे के लिए पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था उन्हें, ये मतलब उनके ऑनर में दिया गया था। नेक्स्ट है 1928 स्ट्रेंज इंटरल्यूड यूजिन ओनील एक बार फिर से इस ड्रामे के लिए उनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। देखिए यूजिन ओनील को यहाँ पर देखने वाली बात है कि तीन ड्रामों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है या पुलित्जर प्राइज़ से जो है इनको ड्रामे में मिला है। यूजिन ओनील का फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा है बियॉन्ड द हॉरिजन, नेक्स्ट इज़ द एना क्रिस्टी एंड द थर्ड इज़ द स्ट्रेंज इंटरल्यूड। ये याद रखने वाली चीज़ है और अब आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1929 में स्ट्रीट सीन एक ड्रामा है और इसके जो हमारे ड्रामाटिस्ट हैं एल्मर रायस। नेक्स्ट इज़ द 1930 द ग्रीन पेस्चर्स, मार्क कॉनली को ये ड्रामा था इनका द ग्रीन पेस्चर्स, और इसमें मार्क कॉनली को 1930 में इसके लिए एक अच्छे ड्रामाटिस्ट के लिए पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। 1931 में एलिसन्स हाउस और सुजान गास्पेल के इस ड्रामे के लिए उन्हें ये प्राइज़ मिला। 1932 ऑफ द आइसिंग जॉर्ज एस कॉफमैन, मॉरी रस्किन, ईरा गाश्विन, इसे ड्रामे को लिखने वाले जो हमारे ड्रामाटिस्ट हैं उनके नाम आपके सामने हैं जॉर्ज एस कॉफमैन, मॉरी रस्किन, ईरा गाश्विन, और इनके ड्रामे का नाम है ऑफ द आइसिंग एंड इट वॉज द रिटेन इन 1932। ओके एंड नेक्स्ट 1933 बॉथ योर हाउसेज रिटन बाय द मैक्सवेल एंडरसन ने बॉथ योर हाउसेज 1933 में इस ड्रामे के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। 1934 मैन इन वाइट ड्रामे के लिए सिडनी किंग्सले को ये अवार्ड मिला। 1935 द ओल्ड मैड के लिए जो अकिन्स को ये प्राइज़ मिला पुलित्जर प्राइज़। नेक्स्ट इज़ द 1936 इडियट डिलाइट के अगर हम ड्रामाटिस्ट की बात करें रॉबर्ट ई शेरवुड
का ये ड्रामा था ईडियट्स डिलाइट, और इसके लिए उनको ये प्राइज़ मिला 1936 में। 1937 यू कान टेक इट विद यू, यू कान टेक इट विद यू एंड ड्रामाटिस्ट वॉज द मॉस हार्ट जॉर्ज एस कॉफमैन। मॉस हार्ट जॉर्ज एस कॉफमैन के को ये मतलब प्राइज़ दिया गया 1937 में। 1938 आवर टाउन वॉज द फेमस ड्रामा थॉर्नटन विल्डर जो कि ड्रामाटिस्ट हैं, इनके जो ये ड्रामा था आवर टाउन, इसके लिए 1938 में इनको ये प्राइज़ मिला। 1939 एबे लिंकन इन इलिनॉइस के जो हमारे राइटर हैं वो है रॉबर्ट ई शेरवुड को अपने इस ड्रामे के लिए 1939 में ये प्राइज़ मिला है। 1940 द टाइम ऑफ योर लाइफ इट वॉज़ द ड्रामा एंड रिटन बाय द विलियम सेरोयन को ये प्राइज़ में दिया गया इस ड्रामे के लिए। 1941 देयर शैल बी नो नाइट इट वॉज़ द ड्रामा एंड द फेमस ड्रामा एंड इट वॉज़ द राइटर ऑफ रॉबर्ट ई शेरवुड, इसके जो राइटर थे वो थे हमारे रॉबर्ट ई शेरवुड। 1942 में किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं दिया गया तो इसलिए वहाँ पर आता है नो अवार्ड। नेक्स्ट इज़ द 1945 हार्वे के लिए मैरी कॉली चेस को मिला है। 1946 में स्टेट ऑफ द यूनियन एक ड्रामा है एंड इट वॉज द राइटर रसेल क्रूज एंड हॉवर्ड लिंडसे इसके राइटर थे। 1947 नो अवार्ड। 1948 ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर टेनेसी विलियम्स को इनके ड्रामा ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर के लिए पुलजर प्राइज दिया गया। 1949 डेथ ऑफ ए सेल्समैन इट वॉज द फेमस ड्रामा आर्थर मिलर का ये एक फेमस ड्रामा रहा डेथ ऑफ ए सेल्समैन, और आपने देखा भी होगा डेथ ऑफ ए सेल्समैन अक्सर बीए की बुक्स में पढ़ाया जाता है, इस ड्रामे को रखा हुआ है आर्थर मिलर का। 1950 में साउथ पैसिफिक इट वॉज द ड्रामा एंड वॉज द राइटर रिचर्ड रॉजर ऑस्कर हमस्टेन सेकेंड जोजियो लॉगन, देयर आर द राइटर ऑफ द साउथ पैसिफिक। 1951 नो अवार्ड। 1951 में कोई अवार्ड नहीं मिला। 1952 द श्रिक जोसेफ क्रैम को मिला 1952 में पुलजर प्राइज़। 1953 पिकनिक विलियम इंजे की पिकनिक नाम का ड्रामा था 1953 में इनको ये प्राइज़ मिला। 1954 द टी हाउस ऑफ द अगस्त मून के लिए जॉन पैट्रिक को अवार्ड दिया गया। एंड नेक्स्ट इज़ द 1955 कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के जो राइटर हैं हमारे, इट वॉज द राइटर ऑफ टेनेसी विलियम को पुलित्ज़र प्राइज ड्रामे के लिए दिया गया 1955 में। 1956 द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के लिए ये ड्रामा था और जिसके हमारे ड्रामाटिस्ट थे एल्बर्ट हैकेट एंड फ्रांसिस गॉडरिच को द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के लिए पुलित्ज़र प्राइज दिया गया। 1957 लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट ये एक फेमस ड्रामा ऑफ द यूजीन ओनील्स का इससे पहले भी हम एक ड्रामा देख चुके हैं, थ्री ड्रामाज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप थोड़ा देखिए लिस्ट के अकॉर्डिंग कि यूजीन ओनील को एक बार फिर से पुलित्ज़र प्राइज दिया गया 1957 में। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट आता है अब हमारे पास लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये यहाँ तक देखिए 1958 पर आइए। 1958 लुक होमवर्ड एंजल कैटी फ्रिंक्स को लुक होमवर्ड एंजल के लिए एक प्राइज मिला पुलित्ज़र प्राइज के नाम से 1958 में। 1959 जेबी के लिए इनको मिला है और ये हमारे राइटर हैं आर्कबाल्ड मैक्रिश, 1959 में इनको ये प्राइज़ मिला। 1960 में फ्लोरेलो को जेरोम वेल्डमैन जॉर्ज एबेट जेरी बुक एंड स्केलेटॉन हर्मिक
एंड शेल्डन हेडविक। ध्यान से देखिए, 1960 में फायरेलो एक ड्रामा लिखा गया और इसके राइटर थे जेरोम वर्डमैन, जॉर्ज एबॉन एंड जेरी बॉक एंड शेल्डन हेडविक। शेल्डन हेडविक इस तरह से आप इसको देखेंगे, और ये इनको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया 1960 में फ्लोरेलो, जेरोम वर्ड्समैन, जॉर्ज एबॉट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हेडविक। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। 1961 ऑल द वे होम टेड मॉज़ल वॉज द राइटर ऑफ ऑल द वे होम। इट वॉज द ड्रामा 1961 में इनके लिए पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया। 1962 हाउ टू सक्सेस इन बिजनेस विदाउट रियली ट्राइंग, ये भी एक ड्रामे का नाम है और इसके हमारे पास राइटर हैं फ्रैंक लोज़र एंड एब बैरोज। 1963 नो अवार्ड, 1964 नो अवार्ड, 1965 द सब्जेक्ट वॉज रोजेस, सब्जेक्ट वॉज रोजेस, राइटर वॉज द फ्रैंक डी गिलरॉय। फ्रैंक डी गिलरॉय का ये एक फेमस ड्रामा था जिसके लिए पुलित्ज़र प्राइज दिया गया 1965 में। 1966 नो अवार्ड, 1967 ए डेलिकेट बैलेंस, एडवर्ड एल्बी एक ड्रामाटिस्ट हैं और जिनका ड्रामा था ए डेलिकेट बैलेंस, इसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज मिला 1967 में। 1968 नो अवार्ड, 1969 द ग्रेट वाइट हॉप इट वॉज द ड्रामाटिस्ट हॉवर्ड सेकलर का ये ड्रामा था और 1969 में इसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज दिया गया। 1970 नो प्लेस टू बी समबडी के राइटर हैं चार्ल्स गॉर्डन जो कि एक ड्रामाटिस्ट थे, उन्हें 1970 में पुलित्ज़र प्राइज दिया गया। फिलहाल ये अभी लिस्ट आपको जो मैंने प्रोवाइड कराई है, इसका रिमेनिंग पार्ट अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिलहाल आप इसी को याद करिए और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते रहिए। जो बच्चे आज नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं वो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जो कलीग हैं या अपने जो उनके क्लास फेलो हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, और इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए अब मैं विदा लेती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।